तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं, देखो मैंने स्टार्ट कर दिया यहां से और आगे मंडोला बिहार आने वाला और उसके बाद मैं फिर ईस्टर्न पेरिफेर तक आज आप सभी को लेकर चलने वाला हूँ। तो आप बने रहिए इस वीडियो के एंड तक, बहुत कुछ आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, तो अभी देख सकते हो ये पिलर का स्ट्रक्चर पहले ही खड़ा कर दिया गया था। अब इसमें रिंग बना के और इसमें कंक्रीट भरा जा रहा है, इस पिलर को कंप्लीट किया जा रहा है। जैसे कि बीच बीच में अभी ये पिलर बचे हुए हैं और फिर इनके बाद में इन पर पिलर कैपिंग का काम किया जाएगा और उसके बाद में इन पर पिलर कैप के जो बिंग्स हैं उनको भी ऐड किया जाएगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ केपी संत के चैनल पर डे देखते रहो मेरे प्यारे दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो कि सारे पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है, इनका फाउंडेशन बन के कम्प्लीट हो चुका है। बस इनमें जैसे जैसे रिंग कंप्लीट होते जा रहे हैं वैसे वैसे इनमें कंक्रीट भरते चले जा रहे हैं। देख सकते हो इसमें कंक्रीट भर दिया है, इनका पहले ही भर गया है। तो इन पर आप पिलर कैपिंग का काम किया जा रहा है दोस्तों। और आगे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि जो मंडोला बिहार की परियोजना है और वहाँ पर ये एलिवेटेड पार्ट ख़त्म हो जाता है और वहाँ से इसका आपको बता दूं कि वहाँ पर बनाया जा रहा है फ्लाईओवर। तो फ्लाईओवर का भी आपको दिखाएंगे कि फ्लाईओवर पर कितना कुछ वर्क कंप्लीट हो चुका है, वो आप लोगों को देखेंगे। तो देख सकते हैं सेटरिंग यहाँ लगाई जा रही है पिलर कैप के लिए। पिलर कैप आगे आप लोगों को मंडोला बिहार क्रॉस करने के बाद में देखने के लिए मिलेंगे सारे पिलर। तो यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से ये मंडोला बिहार स्टार्ट हो जाता है और आपको बता दूँ ये लास्ट पिलर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। फिर उसके बाद में इसका फ्लाईओवर का पार्ट स्टार्ट हो जाता है मंडोला बिहार के सामने का। तो उन्होंने पहले ही ये रोड बना दी है ताकि पब्लिक के लिए दिक्कत ना हो। तो देख सकते हैं अभी मिट्टी इट्टी इसमें डाली जा रही है, इसका रैंप तैयार किया जा रहा है। देख सकते हैं ये साइड वॉल इन्होंने लगा दी है इस फ्लाईओवर की। तो इस पर अभी मिट्टी डाली जा रही है और मिट्टी डालने के बाद फिर इस पर ब्लैक टॉप किया जाएगा इस पर। तो अभी काफ़ी प्रोसेसिंग का है और इसमें मेरे लेफ्ट हैंड पे बिल्कुल सामने ही मंडोला बिहार है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो करीब ये आपको बता दूं ये फ्लाईओवर 1 से 1.5 किलोमीटर का होने वाला है गाइस। देख सकते हैं इसके ये पार्ट्स रखे हैं फ्लाईओवर के, जो साइडों में लगाते हैं वो रखे हुए हैं। तस्वीरें एक देख सकते हो, जो मैंने इसका पहले वीडियो बनाया था वहाँ पर ये ऊबड़ खाबड़ रोड थी, वहाँ पर इस पर काम चल रहा था, अर्थवर्क काम चल रहा था उस टाइम पर। अब तो इन्होंने कंक्रीट की भी लेयर डाल दी है देख सकते हो और इसको रोड भी बना दिया है इन्होंने, ब्लैक टॉप कर दिया है। तो आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। तो ये मंडोला बिहार है मेरे लेफ्ट हैंड पे देखने के लिए मिलेगा, देख सकते हो आप लोग तस्वीरें। और ये करीब 1 से 1.5 किलोमीटर का ये पार्ट है इसका फ्लाईओवर का गाइस। तो आगे आप लोगों को अब हम खेकड़ा गाँव निकलते हुए और पहुँचेंगे ईस्टर्न पेरिफेरल तक। तो आपको बता दूँ कि ये आपको बता दूं कि अक्षरधाम से लेकर और ईस्टर्न पेरिफेरल तक करीब ये 17 किलोमीटर का पार्ट है और ये एलिवेटेड ही होने वाला है। और जो इसकी लागत है, इसकी लागत है दोस्तों 12,300 करोड़ की लागत से ये एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। और जो इसकी लेंथ है वो है 210 किलोमीटर की लेंथ है और 12 किलोमीटर का राजा जी पार्क में एलिवेटेड पार्ट बनाया जा रहा है, जो कि हमारे अन्य जीव जो रहते हैं उनके लिए। तो उसमें भी बहुत कुछ बनाया जाएगा और आप लोगों को आने वाले ब्लॉग्स में आपको राजा जी पार्क का भी वीडियो दिखाने वाला हूं। तो आप बने रहिए केपी संत के साथ में और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस मैं आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखो केपी संत के चैनल पर जाकर और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोज़ को शेयर करो दोस्तों। जब आप लोग शेयर करते हो, मुझे कमेंट करके बताते हो, तो मेरा हौसला और भी बढ़ता है और भी ज़्यादा काम करने का मन करता है और आप लोगों को दिखाने के ऐसे ही अपडेट
करता रहता है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश मेरी यही रहती है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट दिए जाएं कि कितना कुछ वर्क कौन से एक्सप्रेस वे पर हो चुका है कंप्लीट। तो देख सकते हैं इस पर ये इसका पिलर कैप बनाया जा रहा है। ये आपको बता दूं कि सारे पिलर कैप बन के कम्प्लीट हो चुके हैं। इनके जो साइडों में ये विंग्स हैं पिलर कैप के, इनको विंग्स को ऐड करने का अब काम भी चलने लगा है, वो आप सभी को आगे देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो। तो देख सकते हो कि ये खेकड़ा गाँव अभी आने वाला है, उसमें बहुत सारा काम चल रहा है अभी तेज़ी के साथ में। और ये पहले ही ये सारे पिलर के जो पिलर कैप हैं वो पहले ही बना लिए जा चुके थे दोस्तों, देख सकते हो। अब इन पर विंग्स लगाने का काम चल रहा है। तो बीच बीच में अभी रह गया है पिलर कैपिंग का काम, बीच बीच में कंप्लीट हो गया है, बीच बीच में रह गया है। और बीच बीच में इसमें पिलर भी अभी भरे जा रहे हैं, जो कॉन्क्रीट है वो भी भरा जा रहा है दोस्तों। तो आप लोगों को आगे सब कुछ देखने के लिए मिलेगा और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो के पी संत के चैनल पर दोस्तों। और इस एक्सप्रेसवे की जो डेडलाइन है गाइस, वो आपको बता दूं कि 2024 में जब चुनाव होंगे उससे पहले इसको खोल दिया जाएगा। तो इसकी दूरी भी बहुत कम हो जाएगी, क्यों अभी लगते हैं 3 से 4 घंटे। और जब ये बन के कम्प्लीट हो जाएगा, जब इसमें लगेंगे 2 से 2.5 घंटे के बीच में, आप दिल्ली से और देहरादून जा सकते हो बड़ी तेज़ी के साथ में। ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होने वाला है। और जो दिल्ली का 17 किलोमीटर का पार्ट है उसमें 12 लेन दी जा रही है दोस्तों। तो देख सकते हो ये सेटिंग लगा दी जा चुकी है इसकी विंग्स की ऐड करने की, देख सकते हो अपनी आंखों से। तो यही नज़ारे हैं, सेटिंग बिठा रहे हैं ये, क्योंकि इसके बाद में ये जो पिलर कैप बनाया है उसके ऊपर जो विंग्स लगाए जाने हैं साइडों में, इसको चौड़ा किया जाएगा। तो उसके विंग्स को लगाने का काम इस पर स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर। और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। ऐसे ही वीडियोस देखते रहो चैनल पर दोस्तों। मैं पर डे लाता रहता हूँ और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ गाइस, देख सकते हो आप लोग तस्वीरें अभी और आगे के, अभी और आगे आप सभी को देखने में देखने के लिए मिलेगा कि कहाँ पर कितना वर्क कंप्लीट हो चुका है, क्या क्या वर्क कंप्लीट हो चुका है वो सब। केकड़ा गाँव आगे स्टार्ट होने वाला है गाइस, और तस्वीरें देख सकते हैं इसके विंग्स को जोड़ने का काम स्टार्ट हो चुका है। देख सकते ये सेटिंग लगा दी है दोनों साइडों में, देख सकते हो।
ये कैप बन के पहले ही, इसकी पिलर कैप पहले ही बन गई थी, अब इसको विंग्स को ऐड करने का काम चलेगा। ये देख सकते हो तस्वीर है, ऐसे ही पीछे भी और आगे भी, आगे खेकड़ा गांव स्टार्ट हो जाएगा। तो वो चलिए आगे दिखाते हैं चल के आप लोगों को वीडियो में। ये कुछ नज़ारा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का गाइस, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। ये सेटिंग लगा दी है इसको विंग्स को ऐड करने के लिए, अब इसकी विंग्स को ऐड किया जाएगा इस पिलर कैप में। तस्वीरें देख सकते हो दोनों साइडों में। तो इधर खेकड़ा गांव की तरफ अभी यही वर्क चल रहा है, टीम लगी हुई है क्योंकि इसकी सेटरिंग को बिठा रही है, फिर इसके विंग्स को ऐड किया जाएगा इस पिलर कैप में गाइस। और पिलर कैप में ऐड करने के बाद में फिर इस पर गाटर लॉन्चिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर इसका फ्लोरिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा। और फ्लोरिंग का काम हो जाने के बाद में तो आपको पता ही है क्या होता है। तो तस्वीरें देख सकते हो, ये खेकड़ा गांव यहाँ से स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। तो खेकड़ा गांव निकलने के बाद में और आपको देखने के लिए मिलेगा ईस्टर्न पेरिफेरल, वहाँ पर भी आपको बता दूं कि रैंप बनाया जा रहा है। और रैंप बना के क्योंकि नीचे से ईस्टर्न पेरिफेरल के नीचे से इसको क्रॉस किया जाएगा दोस्तों, तो वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा इस वीडियो में। तो आप लोग बने रहिए केपी संत के साथ में और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो और हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताओ। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस केपी संत के चैनल पर देखते रहो। केपी संत लाता रहता है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो दोस्तों कि कितना ही अद्भुत नज़ारा है, सारे में ही पिलर कैप बन के कम्प्लीट हो चुके हैं और देखो देखने में कितना सुंदर लग रहा है। और जब इससे एक्सप्रेसवे को बन के कम्प्लीट हो जाएगा तब आप लोग देखना कितना मज़ा आता है। तो देख सकते हो बीच बीच में पिलर कैप का काम रह गया था, वो अब किया जा रहा है, बीच बीच में इसमें पिलर कैप लगाए जा रहे हैं इस पिलर को,
ऐड किया जा रहा है। तो देख सकते हो बीच बीच में ये पिलर कैपिंग का काम चल रहा है। जब पिलर कैप बन जाने के बाद में फिर इस पर सेटरिंग लगाई जाएगी, और सेटरिंग लग जाने के बाद में इस पिलर कैप को बिंग्स को ऐड किया जाएगा इस पिलर कैप में। फिर इस पर गाटर लॉन्चिंग किया जाएगा, और गाटर लॉन्चिंग हो जाने के बाद में इस पर फ्लोरिंग का काम किया जाएगा, और इस पर पैराफिट वॉल लगाए जाएंगे साइडों में, और इस पर ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा। ब्लैक टॉप हो जाने के बाद में दोस्तों ये लैंडमार्किंग का काम किया जाएगा, फिर ये आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा दोस्तों। तो देख सकते हैं पिलर कैप के लिए के बहुत सारे पिलर ये बचे हुए, बीच बीच में पिलर कैप कंप्लीट हो गए, जहाँ कंप्लीट हो गए हैं वहाँ पर ये पिलर कैप की जो विंग्स हैं उनको ऐड किया जा रहा है। अब काम स्टार्ट हो चुका है, और जहाँ पर पिलर कैप नहीं बने वहाँ पर पिलर कैप का काम किया जाएगा। देख सकते हो अभी यहाँ पर कोई पिलर कैप नहीं लगाया गया है, इनकी सेटरिंग बिठाई जा रही है और इन पर पिलर कैप लगाए जा रहे हैं। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, नज़ारा कितना ही अद्भुत, कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का। और देख सकते हो कि केपी संत के चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी विजिट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस करो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड केपी संत के चैनल पर दोस्तों देखते रहो, पर डे आते रहते हैं। और जो टाइमिंग है वो आप लोगों को 5 बजे के बाद में कभी भी आप केपी संत के चैनल पर जा सकते हो, विजिट कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो वीडियोस को। तो आप लोगों को अब देहरादून के भी अपडेट देखने के लिए मिलेंगे केपी संत के चैनल पर। तो अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा नई साल के बाद से आप लोगों को देहरादून एक्सप्रेस वे के अपडेट देखने के लिए मिलेंगे। सहारनपुर क्रॉस करने के बाद मैं पूरा एक्सप्रेस वे दिखाएंगे कहाँ पर ये ख़त्म होता है। तो आप लोग बने रहिए केपी संत के साथ में ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए दोस्तों। तो देख सकते हो बहुत लंबा चौड़ा ये पार्ट है, और ये दिल्ली में आता है दोस्तों, और ये दिल्ली का पार्ट तो ख़त्म हो चुका है, ये यूपी में लगता है। क्योंकि आप तस्वीर आप लोग देख सकते हो, क्योंकि पिलर कैप अभी नहीं बने हैं, बस ये पिलर बन के कम्प्लीट हो चुके हैं, बस इन पर पिलर कैप लगाया जाना है। और पिलर कैप बन जाने के बाद में पिलर कैप के ऊपर इसमें साइडों में बिंग्स लगाए जाएंगे, बिंग्स को ऐड करने के बाद में दोस्तों इस पर गाटर लॉन्चिंग कर दिया जाएगा। और ये 13,000 करोड़ की लागत से ये कॉरिडोर बनाया जा रहा है, 210 किलोमीटर का ये पूरा एक्सप्रेस वे होने वाला है, और ये दिल्ली के अंदर 12 लेन का होने वाला है। और ये आपको बता दूं कि ये ग्रीन फील्ड एरिया में 6 लेन का होने वाला। तो ऐसी वीडियो देखते रहो केपी संत के चैनल पर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।